इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 2 किलो चिकन है और चिकन के पीस देखिए आप, माशाल्लाह ऐसे बड़े बड़े। हम है सो ये आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी मैं, ये हैदराबादी फेमस शादियों वाला दम का चिकन, रेड चिकन बना रही मैं उसके लिए। ऐसे पीस कराइए देखिए, और इसको ने विनेगर में या तो नमक में डाल के अच्छी तरह वॉश कर लेगी। ये हरा धनिया है, 2 बंच पुदीने के है, 2 बंच धनिए के, कोरिएंडर है, हरा धनिया। यहाँ पर गरम मसाला है, मैं बताती हूँ कितना डालना है। ये देखिए 50 ग्राम 2 किलो चिकन के मसाले बता रही मैं। अगर आप इसे बढ़ा रही तो इसके मसाले भी बढ़ जाते, डबल होते, चिकन भी डबल होता। तो 50 ग्राम बादाम ले लीजिए, 50 ग्राम काजू ले लीजिए, 1 टी कप से कुकिंग ऑयल लीजिए, और यहाँ पर देखिए इलायची पाउडर है, ये 5 मीडियम साइज़ के टमाटर है, उसको मैं प्यूरी बना ली, टमाटो प्यूरी बनाई। यहाँ देखिए 2 लेमन कट करके बीन्स निकाल के साफ़ कर ली। यहाँ 200 ग्राम कर्ड है, दही है, और यहाँ देखिए 250 ग्राम अनियन लेके आप उसको फ्राई करिए, प्याज 1 किलो प्याज लेके फ्राई करके रख लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी फ्राई है, क्योंकि मेरा चैनल यूट्यूब का है, मेरे को हर चीज़ रेडी रखना ज़रूरी रहता अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 किलो प्याज लेके कट करके ऐसा तल के रख लीजिए। यहाँ पर देखिए फुल फैट मिल्क है, ये वाइट विनेगर है, ये डार्क सोया सॉस है, मैं बताऊंगी आपको कितना डालना है, ये ग्रीन चिली सॉस है, और ये रेड फूड कलर है। हाँ, यहाँ पर देखिए काली मिर्च पाउडर है, ये जो बता रही मैं आपको जीरा पाउडर है भुना हुआ। यहाँ बेसिक मसाले है, बस अभी असली घी डालना है इंशाल्लाह ताला, वो असली घी का भी मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और मेरी फैमिली भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। अल्लाह रसूल का लाख लाख शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं, आप सबका सपोर्ट है। अल्लाह हम तमाम उम्मत मुस्लिमा गुलामान रसूल को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत के साथ रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला हम जो बीमार हैं उनको शिफा अता करे, जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करे, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ और अल्लाह ताला बहार अता करे सेहत के साथ, इंशाल्लाह आमीन। आज मैं देखिए हैदराबादी फेमस दम का चिकन, रेड दम का चिकन बना रही, उसकी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट वीडियो क्लिप तो मैं आपको बताई ना किसकी कौन क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। देखिए घी ऊपर था, अब निकाल ली मैं घी। घी भी डालना है असली घी। और मेरे चैनल को आप लोग देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह ताला सपोर्ट करिए मेरे चैनल को। या आज मैं बच्चों की फरमाइश पे बना रही मैं हैदराबादी फेमस रेड दम का चिकन बना रही, बिल्कुल जैसा शादियों में बनता, बर्थियाँ बनाते ना अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही होता। ऑलरेडी मेरे चैनल पर है हैदराबादी शादियों वाला हैदराबादी दम का रेड चिकन ऑथेंटिक रेसिपी बोल के ऐसा टाइटल लिखा हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो। अभी मैं फ्रेश बना रही हूँ मेरे बच्चों की फरमाइश पे, बच्चे खाना चाह रहे, इंशाल्लाह ताला बनाऊंगी। आप लोग भी देखिए और बनाइए, खाइए, खिलाइए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 50 ग्राम बादाम डाल दीजिए, इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 50 ग्राम काजू डाल दीजिए, बादाम काजू डाल देंगे हम फर्स्ट ही करेंगे। और ये 250 ग्राम अनियन है फ्राई करी सो में, आप भी फ्राई करके रखिए इंशाल्लाह। अब हम इसमें देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे, ठीक है ना। ये पेस्ट बन गया, वैसे फिर मैं आपको बताती आगे का प्रोसेस।
यहाँ देखिए पेस्ट बना ली मैं, प्याज बादाम काजू ये साइड पे रखेंगे। अब यहाँ पर चिकन, ये जो चिकन है ना धो के रखी सो मैं, ये चिकन पीस डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये चिकन डाल दीजिए। ये 2 किलो चिकन की रेसिपी बन रही अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी टेस्टी रेसिपी बनती, ज़रूर बनाइए। ये देखिए 5 टमाटे प्यूरी मैं बनाई तो पीसी थी ना टमाटे, वो डाल दीजिए। डरती हूँ मैं, क्या है मालूम वीडियो बड़ी हो जाती है, क्या है कि बोल गए डर होता है ऐसा। 200 ग्राम दही है देखिए, 200 ग्राम कर्ड है, कर्ड भी डाल दीजिए। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए 1 कप कुकिंग ऑयल है ये भी डाल दीजिए, और इसी से मैं आपको मेजर करके बताती हूँ। 1/2 कप व्हाइट विनेगर है ये डालिए, और यहाँ पर देखिए डार्क सोया सॉस है ये, बस देखिए 2 चमचे ये डाल दीजिए। फिर ये ग्रीन चिली सॉस है, बच्चे छोटे हैं तो हाथ रोक के डालिए, अच्छे सालन के चमचे से डालिए। फिर यहाँ हरा धनिया पुदीना डालिए ये, और यहाँ देखिए 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर है डाल दीजिए। फिर यहाँ आएंगे हम, देखिए 1 चम्मच रोस्टेड क्यूमिन पाउडर है, जीरा पाउडर है 1.5 चम्मच डालेंगे, भुना हुआ जीरा, देखिए नमक 2 टीस्पून फुल, सॉल्ट नमक 1/2 टीस्पून, टर्मरिक हल्दी 2 टीस्पून फुल, रेड चिली पाउडर लाल मिर्च पाउडर, हाँ हो गया। अभी हम यहाँ पर देखिए 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, हो गया ये। अभी क्या करेंगे हम, ये ऑप्शनल है आप लोगों की मर्जी, डाले तो अच्छा है, कलर अच्छा आता, फूड कलर है रेड फूड कलर, थोड़ा सा डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए होममेड गरम मसाला है, मैं घर में पीसी सो हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख बना सकते हो। देखिए 1 चम्मच गरम मसाला डाल दीजिए, ठीक है ना। अभी इसके बाद ये जो हम मसाला पीसे ये भी डाल दीजिए, ये पूरा डाल दीजिए, हम जार संभाल के डालेंगे पानी, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 लेमन है, लेमन जूस डालेंगे इसमें, 1 डाल दीजिए। अच्छा भींजा निकाल के रखी थी मैं, जरूर बनाइए आप लोग इंशाल्लाह ताला। अब हम इसको मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाह, पूरे मसाले हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पूरा अच्छा मिक्स करिए, मैं मिक्स करके बाद बताती हूँ। ये देखिए मैं अच्छी तरह मिक्स कर ली इसको, और ये जार खंगाल के 1 टी कप का पानी डाल दीजिए, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे देखिए, ये असली घी है, ये देखिए आप चम्मच का जल्दी घी में, जल्दी जल्दी में असली घी है, लौंग डाल के रखिए आप, देखिए लौंग आई इसमें, घी कभी भी ख़राब नहीं होता, टेस्ट वैसे ही रहता घी का, ख़राब नहीं होता। घी में लौंग डाल के रखिए, यहाँ देखिए गैस ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये लगन रख दीजिए इसके ऊपर, इसको है सो 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही कवर, बिना कवर के हम कुक होने के लिए रखेंगे। और अब थोड़ी थोड़ी देर को इसमें चम्मच चलाते जाइए, अगर नहीं चलाएंगे चम्मच तो फिर चिपक जाता, तो आप कोशिश करिए अगर आपको कुछ काम है तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके जाइए, ठीक है ना। अभी मैं आगे क्या मसाले डालना है इंशाल्लाह ताला
15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलूंगी अल्लाह चाह तो। ये बगैर कवर के रखिए, कवर मत रखिए, इस पे हाई फ्लेम पे रखिए और चम्मच हिलाते रहिए। देखिए गैस की फ्लेम हाई है और मैं ऐसा इसको चम्मच चला रही हूँ इसमें। आप अगर छोड़ेंगे तो फिर चिपक जाता, जल जाता मसाला जो भी है चिकन है। थोड़ी देर ठहरिए, बहुत ही अच्छी खास स्पेशल रेसिपी बन रही है जो शादियों में बर्चियाँ बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबादी फेमस रेड दम का चिकन की रेसिपी मैं शेयर करी आपसे। इसको रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, काजू राइस के साथ खाइए, लच्छा पराठा मंगा लीजिए होटल से। बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर को चम्मच लेंगे, ठीक है ना। असल चीज भूल गए हम, इतने सारे मसाले हैं ना फिर भी याद रखना बहुत कमाल की बात है। मेन चीज देखिए, हम अदरक लहसुन भूल गए थे, तो क्या करिए आप, ये 2 क्यूब है मेरे पास, इसको क्या करेंगे हम सेंटर में डाल देंगे ऐसा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और है सो ये रोस्टेड कोरिएंडर पाउडर है, देखिए भुना हुआ धनिया पाउडर है, ये भी नहीं डाले थे हम, ये भी। अब मैं वीडियो क्लिप देखी तो मेरे को याद आया, अरे 2 चीज तो रहेगा ना नहीं डाली मैं, एक तो अदरक लहसुन। आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो चाय के चम्मच से 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। और कुछ बोल रही थी मैं, ठीक है जैसा जैसा याद आएंगे ना बोलूंगी इंशाल्लाह। हाँ ये बोलना था कि मेरे पास तो इलायची पाउडर है, ग्रीन इलायची पाउडर, हरी इलायची का पाउडर ऑलरेडी बना के रखती हूँ मैं। आपके पास अगर नहीं रहा तो 20 इलायची हरी इलायची लेके उसको अच्छा ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लीजिए, पाउडर बना के डाल दीजिए इसमें। आधा रखिए दम पे डालेंगे और आधा ये मसाले में डाल दीजिए, ठीक है ना। बस और कुछ नहीं है, बस मैं यही हूँ किचन में बैठी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं थोड़ी थोड़ी देर को देख रही है, चेक कर रही हूँ, आप लोग भी अच्छे से दिल लगा के बनाइए इंशाल्लाह। ये देखिए अच्छी तरह ये जो चिकन है पानी छोड़ता ना वो अच्छा, हम जो नए कवर नहीं कर रहे थे ना इसी वजह से कवर नहीं करी, कि हम पूरा कवर कर देते ना तो ये टमाटे दही और ये चिकन का पानी छूट के चिकन बहुत गल जाता। तो थोड़ी 15 मिनट तक आप इसको ऐसे ही बगैर बिना कवर के कुक होने के लिए रखना। अब देखिए आप, अब पकना शुरू हुआ ना अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी पानी था सूख गया। अब क्या करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे, साइड पे रख के देखिए ये तवा है हाई फ्लेम कर दे, ये बिल्कुल भी पूरी हाई फ्लेम करके ये लगन को रख देंगे बस। अब जो जलने का दाग लगने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता, अभी आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए रखेंगे। गैस की फ्लेम तो हाई है, मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती क्योंकि मैं बहुत तरीके से सलीके से बताती हूँ आप लोगों को, अच्छी तरह समझ भी आए जैसा। पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत करिए, ताकि आपको मसाले मालूम होना ना मैं क्या क्या डाली। देखिए कवर ऐसा आधा रखिए, बस इतना रखिए, ठीक है ना। 15 मिनट के बाद बताती फिर। यहाँ देखिए मैं आपको करीब से बता रही हूँ, देखिए ये जैसा मसाला चिकन पक रहा ना वैसे ये ऑयल पूरा सेपरेट होता रहता, जो घी डाले हम ऑयल डाले ना ये सेपरेट होता। और यहाँ ये देखिए हाई फ्लेम है, क्या है ये तवे पे रखने से कौन सी भी चीज़ को जलती नहीं चिपकती नहीं, तो आप इंशाल्लाह ताला ऐसे ही पकाइए इसको। अब इतना पकाना है अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं 15 से 20 मिनट पकाऊंगी। ये जो मसाला दिख रहा ना आपको ऐसा दाने दाने वाला हो जाना, बिल्कुल तेल अलग कर देना और चिकन अलग हो जाना, मसाला दानेदार होना इंशाल्लाह ताला। मैं आप लोगों को मैं 20 मिनट के लिए बोली थी ना, देखिए 20 मिनट में भूनते भूनते देखिए माशाल्लाह से, देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया, ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा नहीं, इतना अच्छा लुक दिख रहा है, लाल लाल और अच्छा टेस्टी, इतनी ऐसा
और मेरे बच्चे बोल रहे अम्मी शादी खाने में जैसा पकवान की खुशबू आती ना वैसी आ रही, बोल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टेस्टी होता। अभी और हम इसको भूनेंगे थोड़ा और। देखिए आप तेल तो तेल कितना कम डाले थे, ऑयल चिकन का भी फैट रहता, फिर है तो घी एक चम्मच डाली थी मैं, इसको और भूनेंगे ठीक है ना। याद से आप ये एक बार ट्राई करिए इंशाल्लाह ताला, शादियों में भी नहीं जाना आप, अल्हम्दुलिल्लाह शेफ बन जाते अल्लाह के फजल से घर बैठे इंशाल्लाह ताला, दुआएं देंगे मेरे को। चलिए अब ये ऑयल अच्छा ऊपर आ गया ना, देखिए टमाटो केचप है ये हम वो जो मैं टी कप बताई ना उससे हाफ कप डालिए। ऑलरेडी हम टमाटे प्यूरी डाले ना तो इसीलिए बोल रही मैं आपको। और यह फुल फैट मिल्क है, देखिए फुल फैट है, देखिए मलाई गिरी देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये डाल देंगे और एक चम्मच इलायची। मैं आप लोगों को बोली ना 20-25 इलायची लेके आप लोग आधी डालना आधी दम पे रखना डालने के लिए, उठा के रखिए पूरी मत डालिए। और यहाँ पर ये गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच बस। अब इसको जो हम ये दूध डाले जो मसाले डाले ना अब और अच्छा पूरा मिक्स कर देंगे और अच्छा पूरा दानेदार बनेंगे ये चिकन को, जैसा शादियों में बनता ना वैसा। एक 10 से और 15 मिनट तक 10 मिनट भुनेंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह से कैसा दानेदार मसाला हुआ, देखिए आप माशाल्लाह कैसा था पकते वक्त, पकने से पहले कैसा था अब कैसा दिख रहा, सेम टू सेम बॉर्डियाँ बनाते ना अल्हम्दुलिल्लाह वैसा बनाती मैं। ज़रूर ट्राई करिए आप लोग, बहुत मेहनत करके मैं ये रेसिपी आप लोगों से बना के आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं इंशाल्लाह ताला, ज़रूर बनाइए। और यहाँ देखिए चारकोल तैयार हो रहा इंशाल्लाह ताला, फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। माशाल्लाह चिकन तो लाजमी है इतनी देर पका, कम से कम आधा घंटा मैं इसको भूनते रही तो दानेदार हो जाना मसाला, समझे आप। अभी क्या करेंगे हम इसे गैस ऑफ कर देंगे, देखिए तवा गरम है अभी, क्या करिए फॉइल है आपके पास तो आप फॉइल ऐसा रख सकते, मेरे पास है अब कहाँ रखे मेरे को याद नहीं आ रहा। अगर फॉइल नहीं है तो प्याज काट के भी छिलके रख सकते हैं, मैं नींबू पे रख रही हूँ ये देखिए। और मैं यहाँ पर ये कुकिंग ऑयल डालूंगी इस पर कवर कर देंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्टी अच्छा बन के तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए देखेंगे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेस्टी बन के तैयार हुआ। देखिए ये लेमन और ये चारकोल निकाल दे रही हूँ, इसको एहतियात से अच्छा डालिए पानी में डाल के बुझाइए। और ये देखिए यहाँ पर ये हरा धनिया अल्हम्दुलिल्लाह, अंजुम रसोई में हैदराबादी फेमस शादियों वाला दम का चिकन रेड चिकन बनके तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग भी बनाइए खाइए खिलाइए, दुआओं में मेरे को याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, जैसा व्लॉग डालते ना रोज लोग वैसे मैं रेसिपी डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, तो इंशाल्लाह ताला आप मेरा साथ दिए, आप सब मिलकर साथ दिए, ख्याल रखिए। चलिए अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मैं आपको खरीब से भी बता रही हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्टी हुआ, कलर भी बहुत अच्छा है, अच्छा दिख रहा टेस्टी अच्छा हुआ। आप नमक मेरे पास तो बराबर है, आप लोग नमक चेक करिए, और रोटी में भी नमक रहता, बाहर की रोटी में तंदूर की रोटी जो भी रोटी मंगाते उसमें नमक रहता, हाथ रोक के नमक डालिए और टेस्ट करके रखिए, डिश आउट करिए। और जो आपको ये ऑयल दिख रहा ना ये रेसिपी के लिए ये ऑयल बराबर है, जो भी हम मसाले के रेसिपी बनाएंगे ना तो ऐसा ऑयल रहना चाहिए, मिर्चियों का सालन बगारे बैगन खुरमा ये मसाले में इतना तेल लगता, तो आप लोग ये मत समझिए कि मैं तेल बहुत डाली,
ये रेसिपी में इतना तेल लगता, फिर भी मैं कम डाली, आप लोग देखें ना, एक कप डाली थी मैं। चलिए